हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सर्वेइंग से रिलेटेड, यानी आरएल ट्रांसफर जैसे करते हैं, लेबल ट्रांसफर करते हैं जब हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके लिए लेबल ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें दो चीज आती है जो बहुत सारे लोगों को डाउट रहती है। तो कि जैसे ये आरएल, एक होता है आरएल और दूसरा होता है बेंचमार्क। तो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि आरएल और बेंचमार्क ऐसे फिक्स क्यों रहते हैं, कैसे पता कि इसका आरएल या यहाँ पे जो बेंचमार्क फिक्स की गई है ये सही है, या किस आधार पे फिक्स की गई है। तो उन डाउट्स को मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो एक होता है एमएसएल, दूसरा होता है आरएल और तीसरा होता है बेंचमार्क बीएम। आरएल मतलब रिड्यूस लेवल, ये मीन सी लेवल, मीन सी लेवल, और ये होता है रिड्यूस, रिड्यूस लेवल, और ये होता है बेंचमार्क, बेंचमार्क। तो जब भी हम किसी जगह पे जब सर्वे करते हैं यानी लेवल ट्रांसफर करते हैं तो हमको क्या बताया जाता है कि एक बेंचमार्क यहाँ पे फिक्स की गई है, जहां पे इसका आरएल है 100 मीटर इसका आरएल है। तो ये 100 मीटर कैसे हुआ इसका आरएल, तो यही चीज मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए एमएसएल क्या होता है, मीन सी लेवल। आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी जगह पे, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर लेबल देते हैं, कोई लेबल रेफरेंस परमानेंट मानते हैं, तो क्या होगा, कभी ना कभी इधर उधर हो सकता है। लेकिन वाटर एक ऐसी चीज है जिसका लेवल आप, अगर एग्जांपल के तौर पे आप एक बोतल में पानी भर के ऐसे देख भी सकते हैं, उसको सीधा रखेंगे तब भी उसका वाटर का जो लेवल होगा वो एकदम बिल्कुल सरफेस से एकदम क्या होगा, हॉरिजॉन्टली एकदम बराबर होगा। आप बोतल को ऐसा भी करेंगे जैसा भी करेंगे तो उसका लेवल क्या होगा, एकदम बराबर होता है। तो इसी के आधार पे साइंटिस्ट जो थे हमारे, उन्होंने पूरा 19 साल का रिसर्च किया इसके बारे में कि हम क्यों ना एक लेवल फिक्स करें, रेफरेंस लें समुद्र के पानी से। तो पूरे 19 साल के रिसर्च पे एक लेवल मिला उनको, मीन सी लेवल लिया उन्होंने, क्योंकि समुद्र का लहर कभी नीचे जाता है कभी ऊपर आता है, तो किस आधार पे हम उसको 0-0 लेवल माने। तो इसलिए रिसर्च करने के बाद ये दोनों का एवरेज, यानी जो एवरेज निकाला गया मीन सी लेवल, जिसको बोला गया मीन सी लेवल, तो इसको क्या हुआ 0-0 लिया गया, जो कि परमानेंट है। इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट का आरएल लेते हैं। अब मीन सी लेवल से मान लीजिए ये अपना सरफेस है, अर्थ सरफेस। अब यहां पे क्या हुआ, हमने एक जगह ये मार्क कर दी, इसका आरएल हमने लिख दिया 100। अब इसका आरएल 100 लिख दिया, इसका क्या मतलब, यानी जो मीन सी लेवल है हमारा, यहां से यहां जो ऑब्जेक्ट जहां मार्किंग की गई है सरफेस तक, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 100 मीटर के हाइट पे है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, आरएल, यानी मीन सी लेवल से सरफेस तक जहां पे बेंचमार्क फिक्स की गई है ये टोटल हाइट को हम बोलते हैं आरएल, रिड्यूस लेवल। ठीक, ये तो हो गई आरएल, जो हाइट होती है ये आरएल। और जो ये पॉइंट, जैसे जिस जगह पे ये मार्किंग की गई है, इसको एक जगह ये फिक्स की गई है, तो इसको बोलेंगे हम बेंचमार्क, यानी बेंचमार्क। जब भी हम आगे का सर्वे करेंगे, आगे लेवल ट्रांसफर करेंगे ऑटो लेवल की हेल्प से, ऑटो लेवल की हेल्प से जब भी हम आरएल ट्रांसफर करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपना स्टाफ, लेबलिंग स्टाफ यहां रखेंगे, क्योंकि यहां का बेंचमार्क, यहां का पॉइंट का बेंचमार्क जो है हमको पता है, तो यहां से हम रीडिंग लेना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह आगे का पार्ट हम स्टाफ रख के ऑटो लेवल के थ्रू हम क्या करेंगे, हर पॉइंट का आरएल निकालते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये मीन सी लेवल और रिड्यूस लेवल और ये बेंचमार्क क्या होता है। सिंपल सा फंडा है, आपको समझना है कि मीन सी लेवल से सरफेस तक जो हाइट आ रही है वो क्या है, आरएल है, और जो हाइट यानी 100 मीटर है, इसको एक जगह पे किसी ऑब्जेक्ट पे, यानी आरसीसी का ही मान लीजिए एक माइलस्टोन बना के उस पे क्या हुआ, यहाँ पे लिख दिया गया, ऐसे बहुत जगह लिखा भी होता है, आप रेलवे
रेलवे ट्रैक के पास भी देख सकते हैं, वहां पे क्या होता है कि लिखा रहता है आरएल, यानी यहाँ का आरएल इतना है, यानी मीन सी लेवल से इतनी हाइट पे क्या है ये फिक्स है। तो इसको जो फिक्स किया गया है इसको हम बोलते हैं बेंचमार्क, यानी बेंचमार्क से ही हम आगे का डेटा ट्रांसफर करते हैं ऑटो लेवल की हेल्प से, ताकि यहाँ के लेवल के थ्रू आगे के लेवल हम क्या करें निकाल पाए अपने ग्राउंड सरफेस की। ठीक है, तो आई होप यू गाइज आपको ये मीन सी लेवल आरएल और बेंचमार्क का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा चाहिए आपको, बस इतना ही समझना है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आप हमें कमेंट्स में बताएं आपके अगर कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि आने वाली अगली वीडियो में मैं आपको वो सब सारी डाउट आपको क्लियर कर पाऊं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप क्या करें, इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।